हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल दिशा क्लासेस में। दिशा क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि पहला मेरा वीडियो डला था, फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताई गई थी कि आपको यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपके लिए आ चुका हूँ, आपके लिए वीडियो लाने के लिए, वो आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि जीएस के यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और जो आपके रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ पढ़ाने के लिए। तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ और इन्जॉय करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, इन्जॉय करिए, पढ़िए, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, दिशा क्लासेस को, दिशा क्लासेस मेरी कोचिंग का नेम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दिशा क्लासेस को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है और बेल आइकन पर टच करना है, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दिशा क्लासेस को आप यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हो और वहाँ पर जाके आपको चैनल मिल जाएगी और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरा वीडियो पढ़ सकते हो। तो आज यहाँ पर बढ़िया से अच्छा वीडियो आपके लिए मिलने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जीएस के। तो जीएस में आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं, मैं आपको सभी सब्जेक्ट लेके चलूँगा जो भी आपके सब्जेक्ट जीएस में आते हैं। तो साइंस आती है और आपकी जीके आती है, जो जिसमें आपके क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसी में और आपके कंप्यूटर होता है, हर मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो जीके में सब चीज़ आता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो बस आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के कुछ दिन बाद, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग बस केवल पढ़ते रहिए ऑनलाइन, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। दिशा क्लासेस में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम अभिषेक है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अभिषेक द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो आप स्टार्ट करते हैं हम क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ता है, बी ऑप्शन है दूध का घनत्व घटता है, और सी ऑप्शन दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के, एक एचपी बराबर कितने वाट के बराबर होता है, 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट या आपका 976 वाट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर होगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी, सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज और प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है बताइए। तो पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम, लोहा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर राइट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम होता है जो वो आपके हड्डियों के लिए और दांतों के लिए दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, सी पर आप लोग टिक कर देंगे, सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, एक्वास्टिक विज्ञान है, एक्वास्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि संबंधित, जलवायु संबंधित, धातु संबंधित, कौन से किससे संबंधित बताइए। एक्वास्टिक विज्ञान है किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित, ध्वनि संबंधित, जलवायु संबंधित या धातु संबंधित, किससे संबंधित बताइए जल्दी से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए चैनल के साथ। दिशा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, जो भी नया हमारे चैनल में जुड़ रहा है बस इतना सा करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप लोग बस जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ओके। तो आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्वास्टिक विज्ञान है संबंधित किससे संबंधित है, तो ये आपकी ध्वनि संबंधित, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रकाश तरंग किस तरंग, किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है बताइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है।
अनुप्रस्थ तरंग, अनधैर्घ्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर बताइए। तो ये आपकी है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग आपकी राइट आंसर हो जाएगा। विकास तरंग किस प्रकार की तरंग है, वो है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी किस सिटी की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी या तीव्रता बढ़ती जाती है, इस किस घटना के कारण होता है, बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आकर्षण, राइट आंसर क्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किस संबंधित है भाई बताइए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, ये आपका होगा ध्वनि से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, ऑप्शन नंबर ए कणाद ने, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी अवोगाद्रो ने, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, ये कहा था आपके कणाद ने, ठीक है, कणाद ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कणाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन, आंसर करिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय, क्षारीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर, तो ये किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, डिपेंड करती है मोल की संख्या पर, डिपेंड ऑन मोल्स की संख्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे अच्छा चालक सुपर कंडक्टर मटेरियल कौन सा है बताइए, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, तो ये आपका होगा चांदी, चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता है, रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार पूछा भी किया था ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया था, एक दो बार आया था, दो तीन बार, और सभी एग्जाम में आता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अब वही क्वेश्चन आपको यहाँ एग्जाम में आने को मिलेंगे, ठीक है, आने को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप बस पढ़ते रहिए, बस चैनल को क्या करना है, आपको दिशा क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, न्यू कोचिंग है, आपकी कोचिंग है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को एंड शेयर करना है अपने दोस्तों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपकी सजेशन को सवाल भी किया जा सकता है। तो बस चैनल को बने रहिए चैनल के पास और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, गैलेना, फ्लोराइड, गैलेना, तो यहाँ पर गैलेना है और फ्लोराइड्स है, पायरोलुसाइट्स है और आयरन पायराइट्स है, ठीक है, तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा बताइए। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, गैलेना, फ्लोराइड्स, पायरोलुसाइट्स या आयरन पायराइट्स, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आयरन पायराइट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, आयरन पायराइट्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मिनी माता रोग किस कारण से होता है, मिनी माता रोग किस कारण से होता है, कौन सा आंसर होगा, पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पारा, पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मिनी माता रोग किस कारण से होता है, पारा से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, चांदी, पारा, शुद्ध स्वर्ण या प्लेटिनम, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सफ़ेद सोना के नाम जाना जाता है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम, किस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 1350 ग्राम। ओके,
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से क्या क्या कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है, कौन सी रोशनी प्राप्त होती है? तो विटामिन डी। क्या प्राप्त करते हैं सूर्य की रोशनी से? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बार बार पूछा जाता है, आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिंपल क्वेश्चन भी आपको डालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप याद में सिंपल क्वेश्चन भी रखेंगे तो वही वही क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं एग्जाम में। बस क्या करना है आपको, दिशा को दिशा क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है? जल्दी से कर दीजिए। और क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड, ला ग्रंथि, बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या लाल ग्रंथि, आंसर करिए, बताइए आंसर। तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? कौन सा जीव है ऐसा जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? चूहा, कैचुआ, कवक या जीवाणु, आंसर करिए। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? चूहा, कैचुआ, कवक या जीवाणु। राइट आंसर क्या होगा? कैचुआ, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? मृदा, सेल, भवन, जीवाश्म, राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? जीवाश्म से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? नरम बर्फ, श्वेत बर्फ, सूक्ष्म बर्फ, इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म बर्फ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू उदाहरण है रूपांतर जड़ का, रूपांतर पत्ती का, रूपांतर तने का या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपांतर तने का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू उदाहरण है रूपांतर तने का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन, टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठतनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पृष्ठतनाव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वो है पृष्ठतनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंटर्न या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? किस तत्व के कारण, साइफन क्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या श्यानता के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लैंटर्न या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो वह केस कत्व कारण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेनिस पेपिन या कोपरनिकस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, आंसर करिए जल्दी से। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता करने के लिए, भूकंपों की तीव्रता पता करने के लिए, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसमें, मैं सर्कल कर रहा हूं, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्गदर्शन करने के लिए, ये होगा आपका आंसर, ठीक है? रडार का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जहाजों, वायुयानों को आदि को ढूंढना एवं मार्गदर्शन करने के लिए आपका होता है रडार का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या आपका ऑक्सीकरण द्वारा। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से, बताइए।
तो ये होती है आपकी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि दिशा कोचिंग को क्या करना है, दिशा कोचिंग को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, छोटा सा काम है, दिशा कोचिंग को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है वीडियो को एंड शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। ओके, तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को, तो जिससे सभी के पास हमारा वीडियो पहुँच सके और सभी यहाँ पर जनरल स्टडीज की अध्ययन कर सके। ठीक है, जीएस का सभी लोग यहाँ पर अध्ययन कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, तो आप यहाँ पर बस बने रहिए। आपको बहुत अच्छी सीरीज कराई जा रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या आपका बैरोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किसे, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या बैरोमीटर से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है भाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो ये हाइग्रोमीटर याद रख लीजिए, इसको कन्फ्यूज मत होना हाइड्रो और हाइग्रो में, या हाइग्रोमीटर ही आपको आंसर लगाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होता है। ठीक है, जो लीटर होते हैं जैसे आपका केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तो ये बैरल में नापे जाते हैं। ठीक है, बैरल पर बैरल होता है, तो यहाँ पर एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, 109, 149, 159 या 169। यहाँ पर राइट आंसर होगा 159, 159 लीटर यहाँ पर होता है, कितना, एक बैरल में। ओके, तो ये आपको देखना है। ठीक है, आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। एक बार बराबर होता है, क्या होता है एक बार बराबर बताइए। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, चारों ऑप्शन आपको टिक करना है एक ऑप्शन पर। तो एक बार बराबर क्या होता है भाई, 10^-5 PA, 10^-10 PA, 10^5 PA, 10^4 PA। राइट आंसर क्या होगा, 10^5 PA। पी ए मतलब होता है पास्कल। ओके, पास्कल है, मात्रक है पास्कल। तो ये बार बराबर क्या होता है, एक बार बराबर 10^5 PA। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए आंसर। समस्थानिक, संभारिक, बहुलक या समायवी। राइट आंसर बताइए जल्दी से करिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है। तो आंसर होगा आपका समस्थानिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, आंसर करिए, गिव मी आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, फास्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। सीधी सिंपल सी भाषा है कि आप बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारा तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मेरा नया वीडियो आया, कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। कोई भी एग्जाम आपसे, मतलब कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी, जैसे उसका रिजल्ट हुआ या उसका नोटिफिकेशन हुआ कि वैकेंसी आई है कुछ भी, या कुछ भी हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर न्यूज दूंगा। एडमिट कार्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं आपको फैक्ट एंड फेयर न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, ये भी आपको मिल सकती है यहाँ पर।
और आपको एजुकेशन तो मिल ही रही है, आपको बहुत अच्छा चैनल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जीएस के यहाँ पर मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा, जो आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, वो यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा, जो आपके ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी रेलवे, जो रेलवे का पेपर होना है ना आपका, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ, और दिशा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन का नाम क्या है? दिशा क्लासेस। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार कि आपको याद रहे, दिमाग में याद रहे, आपको शेयर करना है इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे सभी के पास हमारा वीडियो पहुँच सके। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? वो है आपका बांस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकिलिप्टस, टेरोकार्पस, टेक्टोना या पॉलीएल्थिया? यहाँ पर राइट आंसर होगा यूकिलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकिलिप्टस। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है भाई? तो ये आपका है यूकिलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन कौन सा आपको टिक करना है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए नीटम से, ऑप्शन नंबर बी साइकस से, ऑप्शन नंबर सी चीड़ से, ऑप्शन नंबर डी देवदार से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चीड़ से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो है चीड़ से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? लिग्नेन, कैरोटीनाइड, एल्डिहाइड, टैनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं कैरोटीनाइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? वो होते हैं भाई कैरोटीनाइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवले को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग। लिटमस किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से या एक लाइकन से? यह राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी एक लाइकन से प्राप्त होता है लिटमस। लिटमस किससे प्राप्त होता है? एक लाइकन से प्राप्त होता है। ओके, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो एक लाइकन से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। माइनस में आपको नहीं लगाना है, प्लस में होता है, ध्यान रखना इसको, 4 डिग्री सेल्सियस ओनली होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री? बताइए आंसर। तो यहाँ पर -40 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान समान होता है? तो वो होता है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या 232 मीटर पर सेकंड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि में, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? फोन में, डेसी में, डेसीबल में या डेसीमल में? बताइए आप जल्दी से। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? आंसर करिए। तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, दिशा क्लासेस को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड आपको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, सब लोग जुड़ सकेंगे यहाँ पर और पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं।
कि आपको मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या कैसे कंटेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो आपके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट आगे से आगे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस आपको बस पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए आप लोग, यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो डेसीबल में मापा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डीबी से नोट करते हैं, आपको पता होगा डेसीबल को डीबी द्वारा लिखा जाता है, ये डेसीबल का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नोट करते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है बताइए, कमेंट था कमेंट बॉक्स, राइट आंसर को कमेंट करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राइट आंसर को। साधारण बातचीत जो हम लोग करते हैं आपस में, कितनी होती है उसकी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है उसकी, कितनी वोकल लेंथ होती है उसकी, तो कितनी होती है, चारों ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 50 से 60 डेसिबल और ऑप्शन नंबर डी आपका 90 से 100 डेसिबल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं हम लोग। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, नीला, काला, लाल या नारंगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी काला दिखाई देगा। ओके, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो वो काला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं बताइए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, नीला, पीला और लाल, सफेद, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ब्लू, ग्रीन एंड रेड, लाल, हरा, नीला या नीला, हरा, लाल, यही आपके प्राइमर कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनको यही कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर, बेसिक कलर, नीला, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी बेस्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, एलपी में आया था पिछली बार। ओके, रेलवे एलपी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, फिल्टराइजेशन होता है, फिल्टराइजेशन, फिल्टर जिसको कहते हैं, तो उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है रक्त का, फेफड़ा, हृदय, किडनी या यकृत। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जल्दी से आंसर करिए आप लोग, और दिशा क्लासेस को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये होता है आपका किडनी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ओके, किडनी यहाँ राइट आंसर हो जाए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति का नहीं जमता है, हीमोग्लोबिन, हेफेरिन, फिब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हेफेरिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है, तो हेफेरिन कारण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो ये होता है आपका 90%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, वो होता है 90%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं कंटिन्यू क्लास कर रहा हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग बस पढ़ते रहिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बस आप दिशा को क्लासेस पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अभी और 50 क्वेश्चन आपको और पढ़ना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक स्लाइड में। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको पता है 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, बस आपको बस चैनल पर बने रहना है और आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप बस चैनल पर बने रहिए और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे, आपके रेलवे ग्रुप डी एंड NTPC के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप चैनल पर बने रहिए, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये आ गया आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बस पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिशा कोचिंग को आप लोग, दिशा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। किसको, दिशा क्लासेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख रहा है दिशा क्लासेस। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दिशा क्लासेस को, लाइक करना वीडियो को एंड आपको शेयर करना है। ओके, इतना सा काम करना है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में
नाभिकीय ईंधन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण? बताइए क्या होता है सूर्य में? सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं हम लोग, हेनरी किसका मात्रक है? बताइए हेनरी किसका मात्रक है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करिए जल्दी से। हेनरी किसका मात्रक है? विद्युत धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, इनमें से कोई नहीं, आंसर करिए। बताइए आंसर, तो ये होगा आपका प्रेरकत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरकत्व आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की वो करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपके सामने आ चुका है, आप लोग बस आंसर करिए जल्दी जल्दी। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं, रिपीट करता हूं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, आपको पता है कि आपको बेहतरीन क्वेश्चन ही आप यहाँ पर मिलेंगे। आपको रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आने हर एक एग्जाम में है, कोई भी एग्जाम हो, UPSSC हो, UPSI हो, UP+ हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो SSC का हो, तो क्वेश्चन तो वहाँ पर भी मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आ रहे हैं, आपकी किताबों से हैं और आपके कोर्स से हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं और से आ ही नहीं सकते, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? तो आएंगे तो आपकी किताब से आएंगे ना, लेकिन बस कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कौन से आपके चल रहे हैं क्वेश्चन जो आपके रिपीट एंड रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ना है केवल। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है वो पढ़ना है, फिर आपको संपूर्ण आपको कंप्लीट आपको यहाँ पर GS पढ़ाई जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस यहाँ पढ़ते रहिए, आपको सब चीज़ मिलेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, आप कभी भी कहीं भी आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल को, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा कभी भी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। ओके ना, बताइए आंसर। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? इसमें क्या होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, लेटेंट हीट, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम, 336 कैलोरी पर ग्राम, 542 कैलोरी पर ग्राम या 340 कैलोरी पर ग्राम? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 536 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। सितारों में अच्छा ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत क्या का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम का हाइड्रोजन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की अधिकता को जो जलने में सहायक हो तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सितारों में अच्छा ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो वो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग आंसर करिए जल्दी से आप लोग आंसर करिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकरवेल, रोंटजन, एनरिको फर्मी, मैडम क्यूरी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकरवेल, रोंटजन, एनरिको फर्मी या मैडम क्यूरी? तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोंटजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ना, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटजन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हृदय का क्या काम है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। ऑप्शन नंबर डी, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा, देखिए ये आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, हृदय का काम यही होता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने है, बस आप लोग को आंसर टिक करना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं, चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन आप एक चूज कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। आपका कॉपी पे भी आप नोट डाउन करके आंसर दे सकते हैं, उससे आपको ये पता चले कि आप कितना आंसर आप सही कर पा रहे हैं, कितना आंसर आप दे पा रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन करिए आराम से, कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग पढ़ते रहिए, बस केवल आप लोग बस पढ़ते रहिए, ओके। आपको जहाँ कंटेंट अच्छा मिले, जहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिले वहाँ पे पढ़िए, कोई छोटी बड़ी चैनल कोई भी नहीं होती है, बस वहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, यहाँ पर दोनों चीज़ अच्छी है, पढ़ाने वाला भी अच्छा है और कंटेंट भी आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो कंटेंट तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कंटेंट में वो आपके लिए वो लाता हूँ जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो आपको क्वेश्चन ला रहा हूँ तो वो आप पढ़ेंगे, तो आपको ये ऐसा तो है नहीं कि आपको ये फालतू टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ओके। तो बस आपका क्वेश्चन आपके सामने, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो बताइए आंसर, बस केवल अंडा, प्यूपा, लार्वा, इम्यूगो। तो राइट आंसर क्या होगा? प्यूपा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, प्यूपा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है बताइए? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, या आपके आवाज का पानी के साथ संबंध, या आपका पानी की तकनीकी का संरक्षण? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आप लोग का, जल्दी से आंसर दीजिए और दिशा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, सॉरी दिशा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और सभी लोग यहां पर जुड़ सके, ओके। और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, सबके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच सके, इतना सा आपको काम करना है, जल्दी से कर दीजिए। और क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोपोनिक किससे संबंधित है? तो यह मिट्टी के बिना पौधे की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, ओके, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q6 से क्या मापा जाता है? जल की मात्रा, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की शुद्धता। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। Q6 से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, किस की घटना, तेल की कम श्यानता, तेल में काबजलिक समूह। राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, किस की घटना बताइए? केस की घटना आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है, तो होता है केस की घटना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है बताइए? जल्दी से बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आंसर करिए, 15 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 7 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पता है ना, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से आप लोग पलायन कर जाएंगे, पृथ्वी का प्लान वेग है, पृथ्वी से आप प्लान कर जाएंगे दूसरे ग्रह, ठीक है, तो ये आपका है पृथ्वी का प्लान वेग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपने बता दिया था मैंने कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं भी आपके लिए लाइव हूँ, तो आप लोग बस जल्दी से पढ़िए और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी देना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, पता चलेगा आपको कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए कितना होगा। तो ये होगा
24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 24 आवर्स मतलब 24 घंटे। ओके, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है, तो वो 24 घंटे होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी तुल्यकारी उपग्रह जियो सिंक्राइज सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग सही से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह, किसी तुल्यकारी उपग्रह जियो सिंक्राइज सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 42 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि पूछा गया रसायनों का राजा, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी हैं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये क्वेश्चन आप तो आता ही होगा, ये तो क्वेश्चन आपका आंसर आप दे ही सकते हैं। तो ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HNO3, और सी ऑप्शन है HCl, और डी ऑप्शन है CO2। तो यह राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसको नाम से भी पूछा था, रसायन राजा कब किसे कहा जाता है, तो नाम अगर लिखा रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, H2SO4 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आग बुझाने वाली गैस है, बताइए आंसर। आग बुझाने वाली गैस है आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। आग बुझाने वाली गैस है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, राइट आंसर राइट इन माय कमेंट बॉक्स, जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाइए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, CO2 से रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, CO2 होती है, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आग बुझाने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण किस कांच का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, बताइए आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो, उसमें किस कांच का निर्माण उपयोग होता है, बताइए आंसर। पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, रेशेदार कांच, इनमें से कोई नहीं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपके रेलवे में रिपीट क्वेश्चन हुए होंगे, जो आपके एग्जाम ALP एंड आपका ग्रुप डी, दो एग्जाम आपके हुए थे, वो दोनों ही एग्जाम के लिए जो आप क्वेश्चन आए थे, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये फ्लिंट कांच होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, और आपको पता ही होगा, वैसे याद कर लीजिए इसको। तो और आपको ये पता है कि इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, पता है आपको ना, तो लॉकडाउन 4 चल रहा है, और आपको पता है कि आपको कहाँ रहना है, वो घर पर रहना है, और ऑनलाइन क्लासेस करना है, ऑनलाइन आपको पढ़ना है, आपके और हमारे सबके देश के प्रधानमंत्री ने आपको बताया है कि घर पर रहिए, तो सुरक्षित रहिए, तो आपको घर पर रहना है, क्या करना है, स्टे होम एंड सेव लाइफ, और घर पर रह के ही आपको पढ़ना है, सब काम आपको घर पर रह के ही करना है। बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरतमंद आपको काम हो, कोई भी ज़रूरत का काम हो, या आपको नहीं चल रहा हो कि आपको नहीं बाहर जाना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, तो भी आप सेफ्टी के साथ बाहर निकलिए, मास्क पहन के चलिए, मास्क पहनिए, और आपका हाथों में सैनिटाइजर लगाइए, ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहनिए, और आप लोग बिल्कुल अपने माउथ को एकदम क्लोज करके निकलिए, क्योंकि आपको घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। जब तक ये वायरस चल रहा है, तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत लड़ना पड़ेगा ना, तो आप लोग बस थोड़ा स्थिति को संभालिए, और कुछ दिक्कत नहीं है,
केवल यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ना है और आपको स्टडी करके आपको क्वेश्चन गेन करने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, तो आपको मैंने बता दिया फ्लिंट कांच का। डीमोटिवेट के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा बस सुरक्षित रहिए आप लोग, बस घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड सेव लाइफ, बस आप लोग सुरक्षित रहिए, कोई कुछ नहीं है, सब कोई वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इंडिया का, सब वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए क्लासेस को, दिशा क्लासेस को पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, तो आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग जाने में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है, बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कोचिंग आराम से पढ़िए घर पर बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे ही आप ये थोड़ा बारिश शांत होगा तो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और नहीं तो व्यवस्था की जाएगी आपको कुछ भी एग्ज़ाम कराने की, जैसे व्यवस्था करेंगे आपको बताया जाएगा, मैं आपको न्यूज़ यहाँ पर दे दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग दोस्तों, बहुत देर बातचीत हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, बताइए जल्दी से बताइए, हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन, आंसर करिए, बताइए आंसर। तो ये आपका हीलियम, हाइड्रोजन के अलावा कौन सा पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, प्रकाश अवधि, अदीप्ति अवधि, फ्लोरोजिन श्राव, उपयुक्त है, राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरोजिन श्राव, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, फ्लोरोजिन श्राव, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, कमल, चमेली, बुल्फिया, रेफ्लेसिया, राइट आंसर होगा बुल्फिया, ऑप्शन नंबर सी पूछा गया है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्फिया, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सीधा टिक लगा दिया है मैंने, देख लीजिए रेफ्लेसिया ऑप्शन में दिए थे आपके, कमल, सूर्यमुखी, ग्लोरी लिली, ये आपके ऑप्शन में दिए थे, मैंने सीधा टिक लगाया रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वो है रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है, बताइए आंसर, जड़, फल, तना, कलिका, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तना, तना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग होता है तो वो तना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था, लिस्टन ने, हैंसेन ने, लैंडस्ट्रिया ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो राइट आंसर क्या होगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, कौन सा होगा, लैंडस्ट्रिया होगा, हैंसेन होगा, कौन सा होगा, बताइए आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए आंसर, ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सीरोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ल्यूवेनहॉफ, साल्क, डाल्टन, वाटसन एवं क्रिक, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाटसन एवं क्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हरा आपको राइट आंसर हो जाएगा। बलवंता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा, हरा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बलवान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, बलवंता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो आपका एक बलवान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो बलवंता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, या पुत्रियों के पुत्रों में, तो राइट आंसर होगा आपका पुत्रियों के पुत्रों में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं हम लोग, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है, संतुष्टताई द्वारा, उर्वरक के प्रयोग बढ़ाकर, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, या खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर, तो राइट आंसर क्या होगा,
आपका ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसके किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों, क्या है आपके सामने, किस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? दहन, श्वसन, प्रसरण या आपका प्रकाश संश्लेषण? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग दोस्तों, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बताइए आंसर। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 17, 23 या 28? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कितनी होती है? 17। क्या होती है? 17। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा या आपका बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा या इनमें से कोई नहीं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किससे कहते हैं भाई? बिना मिट्टी का पौधा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बेहतरीन आपको पढ़ा जाएंगे, बस दिशा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और सजेशन भी दे सकते हैं आप लोग कि आपको कैसा मेरा वीडियो लग रहा है, कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं जिससे मैं आपको आपकी सजेशन को मैं अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ, अगर अच्छी कोई सजेशन आपकी होगी तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, आंसर करिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो वो होती है रासायनिक ऊर्जा में, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, तो एनर्जी के बारे में अभी क्वेश्चन चल रहा था, एनर्जी ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी मैं आपको बता दूं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना कोई उत्पन्न किया सकता है और ना नष्ट किया सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये आपकी होती है एनर्जी, ऊर्जा, ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको रासायनिक ऊर्जा पर टिक करना है या रासायनिक ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे, हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, कैसा होता है भाई, आंसर करिए, हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है उच्च सतह से, मध्य सतह से, निचली सतह से या पूरी सतह से एक साथ, बताइए आंसर। तो ये होगा आपका निचली सतह से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है, बताइए आंसर। बैरोमीटर का जो पारा है एकाएक नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा, वर्षा होगी या साफ मौसम या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आंधी तूफान आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है कम, अधिक, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, आंसर करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए राइट आंसर करिए जल्दी से, कि वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है कम, अधिक, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा कम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, आंसर करिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर डी कुछ अनियत गुण के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो वो जगमगाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग दोस्तों, मानव आंख की रेटना पर कैसा प्रतिबंध बनता है, वास्तविकता सीधा, वास्तविकता उल्टा, आवाज़ता सीधा या आवाज़ता सीधा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वास्तविकता उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटना पर कैसा प्रतिबंध बनता है, तो वास्तविकता उल्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबंध देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, बताइए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबंध देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के, आप आंसर करिए।
ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए 100 to 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 250 to 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा, दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम दोस्तों। पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की। राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, पारसिक किसकी इकाई है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये दूरी की होती है, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, और भी आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे लाए जाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। कभी भी आप पढ़िए, कोई भी मेरी स्लाइड खोल के पढ़िए, प्ले स्टोर में जाके आप लोग कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों का, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर होता है 10^-6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर बी है 10^-7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10^-8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10^-9 सेंटीमीटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10^-7 सेंटीमीटर। क्यों होगा भाई, वैसे होता है 10^-9 मीटर, अगर मीटर में दिया होगा तो 10^-9 मीटर होगा, लेकिन सेंटीमीटर में आपका होगा 10^-7 सेंटीमीटर। क्या होगा, 10^-7 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, 10^-7 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग, पता चल गया आपको बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, 10^-7 सेंटीमीटर ही आपको यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम लोग दोस्तों। रडार का आविष्कार किस कौन था, रडार का आविष्कारक कौन था, रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, वुसमैन, ऑस्टिन। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकियन से क्या तात्पर्य है, टैकियन से क्या तात्पर्य है बताइए। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, जालक कंपन की मात्रा, वायु में ध्वनि की तीव्र गति से तीव्र गति वाले कण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं, टैकियन से तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भाई, मांसपेशियों का क्वेश्चन पिछली बार गुड्डी में पूछा गया था। ओके, और पूछा जाता है बार बार, तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है बताइए। आप चारों ऑप्शन दिए, 338, 536, 418, 639। राइट आंसर क्या होगा, 639 होती है भाई मांसपेशियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपयोग करते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत गजब के क्वेश्चन है, मांसपेशियों की संख्या और हड्डियों की संख्या बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 185 और 210 या 200, तो यहाँ 206 पर टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पर करना है, ए पर टिक करना है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, तो मांसपेशियों क्वेश्चन शायद आप लोग अटक सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर के, और बच्चे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बच्चे में चाइल्ड में 300 हड्डियाँ होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 206 करना है, क्योंकि मानव शरीर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग। एंजाइम मूल रूप से क्या है, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या है, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन, प्रोटीन होते हैं एंजाइम, मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, वसा या प्रोटीन, बताइए आंसर जल्दी से करिए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या वसा या प्रोटीन, तो आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल किससे होता है, वसा से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही से मैं टिक करता हूँ, ये है वसा, वसा को मैंने सर्कल कर दिया, देख लीजिए कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी है, तो इससे वसा से होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो करते हैं।
पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? या मतलब क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा सकता है कि पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है, ठीक है? तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा? विटामिन ए, कैरोटीन, आयरन या विटामिन डी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आयरन। आपको पता है आयरन पाया जाता है पालक के पत्तों में, तो प्रबल स्रोत किसके हैं? क्या प्राप्त होता है पालक के पत्तों से? तो आयरन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आंसर करिए, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, उदर से, छोटी आंत से या पाचक ग्रंथि से? तो बताइए कहाँ से स्रावित होता है? तो होता है आपका यकृत से। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ाए जाना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पढ़ाया जाना। यकृत से क्या होता है? पित्त स्रावित होता है। क्या होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है? इसको भी याद रख लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा कि पित्त कहाँ जमा होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। और यह स्रावित कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना है आपको, यकृत से, ठीक है? तो आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप बस चैनल पे बने रहिए, और हमारी जो दिशा क्लासेस है, आपको पता है ना, दिशा क्लासेस में यहाँ पर लिख देता हूँ। दिशा क्लासेस को आपको क्या करना है? दिशा क्लासेस को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक करना है वीडियो को, एंड शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ। तो दिशा क्लासेस को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, बस चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी दोनों के लिए आपके बेनिफिशियल क्वेश्चन होंगे, बेनिफिट मिलेगा आपको दोनों एग्जाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।